नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एडुबीडिया पे आप सबका स्वागत है। तो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट चल रहा था, हमने ऑलमोस्ट 3/4 एशिया कॉन्टिनेंट को कंप्लीट कर लिया था। हमने कौन सा पार्ट कवर कर लिया था सर? हमने यहाँ से लेके ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये वाला पार्ट कवर कर लिया था। ठीक है, इंडिया को नहीं, अभी इंडिया को हम लोग इंडिया वाली सीरीज में कम्प्लीट करेंगे। आज हमारा एशिया में ये वाला पार्ट बचा हुआ है, ये आज हम कम्प्लीट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी बच्चों को इसराइल के आसपास की कंट्रीज में ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, वो भी आज मैं आपका क्लियर कर दूंगा। चलिए, इस लेक्चर का पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस इंस्टाग्राम चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सऊदी अरेबिया से, सऊदी अरेबिया पकड़ेंगे हम लोग, उसके आसपास की कंट्री करेंगे, देन हम लोग इसराइल पकड़ेंगे। ठीक है, यही मैंने आपको तरीका भी बताया सही रिविजन करने का और सही याद करने का। सऊदी अरेबिया से कौन कौन सी कंट्रीज लग रही है? नीचे आएंगे, अब ये यमन लग रहा है, यहाँ आएंगे ओमान, यहाँ लग रहा है यूएई, यहाँ लग रहा है कतर। ठीक है, बहरीन बाउंड्री शेयर नहीं करता सऊदी अरेबिया के साथ, याद रखना ये आइलैंड में, मतलब पानी वाटर बॉडी है चारों तरफ। ठीक है, ओके सर, ये कुवैत बाउंड्री शेयर करता है, इराक करता है, जॉर्डन करता है। सर क्वेश्चन यहाँ से आता है, क्या इसराइल बाउंड्री शेयर करता है क्या सऊदी अरेबिया के साथ? तो नहीं करता, क्यों? क्योंकि जॉर्डन जो है ये इस वाटर बॉडी से टच कर रहा है। अब जब जॉर्डन वाटर बॉडी से टच करेगा तो इसराइल और सऊदी अरेबिया बाउंड्री शेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना है। सबसे पहले देखते हैं सऊदी अरेबिया को, स्टार्ट करते हैं। सऊदी अरेबिया में सबसे पहले आपको कैपिटल याद रखनी है रियाद, ज्यादातर लोगों को याद भी होगी, नहीं है तो अब हो जाएगी याद। तो सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है? रियाद। ठीक है, और दो तीन जगह और याद रखनी है आपको, ये वाली जिद्दा है एक जगह, जिद्दा का एयरपोर्ट बहुत फेमस है, जिद्दा के एयरपोर्ट से ही हम लोग जो लोग मक्का मदीना जाते हैं यहीं से जाते हैं। ठीक है, तो ये दो प्लेसेज और देखेंगे आपको, बहुत रिलीजियस साइट्स हैं, तो मक्का और मदीना। ठीक है, और ये एक जिद्दा, ये तीन चीज आपको याद रखनी है, तीन जगह आपको याद रखना है। और थोड़ा ईस्ट में आएंगे आप, यहाँ पर कहाँ बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक पोर्ट दिखेगा बहुत इंपॉर्टेंट, हुआ है रास तनूरा पोर्ट, नहीं हो तो लिख लेना मैप में। ठीक है, रास तनूरा पोर्ट, और आपको एशिया के मैप में नहीं देखना है ये सब, आपको पीछे दो तीन पेज आप पलटेंगे एटलस में तो आपको वेस्ट एशिया का मैप दिख रहा होगा, वहां पर आप ये चीजें सारी चीजें मार्क कर सकते हैं। ठीक है, वो बड़ा मैप बना हुआ है तो वहां आपको ज्यादातर चीजें आसानी से मेंशन हो जाएंगी। ठीक है, वहां कर लेना। तो सऊदी अरेबिया में ये रास तनूरा पोर्ट आपको और याद रखना है। थोड़ा नीचे आएंगे आप, ये आ गया यमन, यमन में आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो है कैपिटल सना, यमन की कैपिटल क्या है? सना। और एक और पोर्ट याद रखना है आपको, एडन पोर्ट। एडन पोर्ट पूछा जाता है कौन सी कंट्री में है, तो वो है यमन में, यमन जिसकी राजधानी क्या है? सना। ये सनम नहीं है, ये सना है। ठीक है, चलिए उसके बाद ईस्ट में चलते हैं तो ओमान आएगा। ठीक है, यहाँ से चल रहे हैं ओमान, ओमान की आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो कैपिटल मस्कट, क्या है? मस्कट। और इसका ये डुकम पोर्ट बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, डुकम पोर्ट बहुत ज्यादा फेमस है, एक आइलैंड बहुत ज्यादा फेमस है इसका, मसीरा आइलैंड, मसीरा आइलैंड, ये वाला जो आइलैंड है यह है मसीरा आइलैंड, याद रखना मसीरा आइलैंड किसका है? ओमान का है। थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे तो ये वाली जगह भी एक्चुअली में किसकी है? ओमान की है, हालांकि लगता है यूएई में है बट एक्चुअली में ये है ओमान का, ये ऊपर दिख रहा है ये ट्राइंगल शेप का। और अब ट्राइंगल शेप का तीन तरफ से वाटर बॉडी है, इसका मतलब ये पेनिनसुला है, तो इस पेनिनसुला का नाम आपको याद रखना है, ये मुसंदम पेनिनसुला, मुसंदम पेनिनसुला याद रखना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बहुत पास में मुसंदम पेनिनसुला। ठीक है ना, चलिए उसके पास में आएंगे हम यूएई। ठीक है, यूएई की कैपिटल सभी को याद होगी, अबू धाबी है। यूएई कैपिटल क्या है? अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, उसमें दो चीजें और याद रख सकते हैं आप, एक है जेबल अली, जेबल अली में रिसेंटली गैस रिजर्व्स मिले हैं, अच्छी क्वांटिटी में गैस रिजर्व्स मिले हैं, तो ये ऑलरेडी न्यूज में थी। और एक है बनियास, बनियास की रिफाइनरी बहुत ज्यादा फेमस है, यूएई की बनियास की रिफाइनरी क्या है? बहुत ज्यादा फेमस है, तो बनियास भी आप याद रख सकते हैं, जेबल अली, बनियास और ये अबू धाबी। ठीक है, ये तीन चीज आपको याद रखनी है। ऊपर चलेंगे अब आप किस पे? ये वाली जगह कतर पे, कतर पे चलेंगे तो कतर में आपको दो चीजें याद रखनी है बस, ये एक तो दोहा इसकी कैपिटल, कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। ठीक है, दोहा, ओके। और एक ये वाली जो बॉर्डर बन रही है ना सऊदी अरेबिया और कतर के बीच में, उसको कहते हैं सालवा बॉर्डर, सालवा बॉर्डर याद रखना, ये चीज सालवा बॉर्डर याद रखना, सालवा बॉर्डर सऊदी अरेबिया और कतर के बीच में है। अब उसके बाद चलेंगे हम लोग इस कंट्री पे, वो है बहरीन। ठीक है, बहरीन देखिए चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा है, तो बाउंड्री शेयर कर रहा है क्या सऊदी अरेबिया से? नहीं कर रहा, ओके, नेबर जरूर है लेकिन बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा। बहरीन की कैपिटल आपको याद रखनी है मनामा। ठीक है, क्या है? मनामा। चलिए उसके बाद आप ऊपर चलेंगे तो एक कंट्री आपको दिख रही है, वो है कुवैत। क्या है? कुवैत। कुवैत की कैपिटल आपको याद रखनी है, वो है कुवैत सिटी। क्या है? कुवैत सिटी। ये ज्यादा कोई वो नहीं है, बस ये याद रखना किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है, एक इराक से कर रहा है और एक सऊदी अरेबिया से कर रहा है। ठीक है, और कुवैत जो है ईरान के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में याद कराया था। ठीक है ना, चलिए क्या क्या मैंने आपको बता दिया, चलिए देखिए सऊदी अरेबिया, मेरी स्पीड थोड़ी आज तेज इसीलिए क्योंकि मुझे मेरे पास समय का आह्वान है और कम समय में को ज्यादा चीजें कवर करानी है, तो उसको आप थोड़ा कोप अप करके चलिएगा। तो सऊदी अरेबिया की कैपिटल आपको मैंने बताई रियाद। ठीक है, रियाद, और यहाँ पर आपको मैंने तीन चीजें बताई, कौन कौन सी?
ऊपर बताया मदीना, नीचे बताया मक्का, और नीचे ये वाला जो पोर्ट था कौन सा पोर्ट था जल्दी बताइए, एयरपोर्ट उसका बहुत ज्यादा फेमस था, वो था जिद्दा एयरपोर्ट, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे यमन, यमन की कैपिटल आपको मैंने बताई सना, और एक पोर्ट बताया जिसका नाम है एडन पोर्ट। ऊपर चले तो ये कंट्री थी ओमान, ओमान की कैपिटल आपको याद कराई मस्केट, एक उसका पोर्ट भी था फेमस वो था डुकम पोर्ट, क्या था डुकम पोर्ट। एक आइलैंड था बहुत ज्यादा फेमस वो था मसीरा आइलैंड, मसीरा आइलैंड, और एक पेनिनसुला था ऊपर वाला वो था मुसंदम पेनिनसुला, मुसंदम पेनिनसुला, ठीक है सर आई होप याद हो गया होगा। उसके बाद ये था यूएई कंट्री, यूएई में मैंने आपको क्या क्या बताया था, यूएई में क्या बताया था मैंने, दीवारों को छोड़ देना है भैया, निद्रा की अवस्था से जागना है, जो चीज बोल रहा हूँ हल्की हल्की याद कर लेनी है, तो चलिए निद्रा की अवस्था से जागिए। तो यूएई की कैपिटल मैंने आपको बताई अबू धाबी, मैंने दो जगह और बताई आपको जेबेल अली और बनियास, क्या बताई जेबेल अली और बनियास, ओके। उसके बाद हम वेस्ट में आ गए थोड़ा सा, तो ये कंट्री दिखी आपको कतर, कतर, कतर की कैपिटल क्या बताई मैंने जल्दी बताइए दोहा, क्या बताई दोहा, एक बॉर्डर बताई होती सालवा बॉर्डर, ओके। उसके बाद हम लोग ऊपर कंट्री पे आए एक बहरेन आइलैंड कंट्री, बहरेन की कैपिटल क्या बताई मैंने मनामा, मनामा। ये वाली कंट्री कौन सी बताई मैंने कुवैत, कुवैत, कुवैत की कैपिटल क्या बताई मैंने कुवैत सिटी। तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, ओके। अब चलते हैं इस वाली पे, यहाँ पर ये दिख रही होगी कंट्री इसराइल, कंट्री ऑफ इसराइल, बहुत ज्यादा न्यूज में थी ये कंट्री, हद से ज्यादा न्यूज में थी, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, याद रखना है ये चीज। पहले आपको ये याद रखना है इसराइल से कौन कौन सी कंट्री बाउंड्री शेयर करती है, तो फिर ही हम उसको साफ करेंगे, ठीक है। इसराइल में ऊपर लग रहा है लेबनान, यहाँ देखोगे तो ये लग रहा है सीरिया से, ठीक है, यहाँ देखोगे इजिप्ट से लग रहा है, ये जॉर्डन से तो लग ही रहा है, ठीक है, और ये पैलेस्तीन से लग ही रहा है, ठीक है ना, पैलेस्तीन से लग रहा है, ठीक है, ये चीज हो गई होगी, आई होप याद हो गई होगी, पांच कंट्रीज लग रही है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आइए सबसे पहले तो कंट्री ऑफ इसराइल में, कंट्री ऑफ इसराइल में आप याद रखेंगे इसराइल की कैपिटल क्या है, इसराइल की कैपिटल है एल तेल अविव है, बट ज्यादातर लोग अब जेरूसलम में शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने एम्बेसी शिफ्ट कर दी थी जेरूसलम में, ठीक है, वैसे तेल अविव है, ठीक है। और याद रखना इसराइल की कैपिटल के बाद यहाँ पर आप वेस्ट में जाएंगे तो ये याद रखना बहुत ज्यादा न्यूज में थी ये जगह गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप, यहाँ से ही हमास के टेररिस्ट ने बहुत सारे रॉकेट्स को फायर किया था और इसराइल ने काउंटर अटैक किए थे उसको, तो बहुत ज्यादा न्यूज में थी, याद रखना। और एक और जगह वाली वेस्ट बैंक, ठीक है, वेस्ट बैंक, ये वेस्ट बैंक भी किसका, फिलिस्तीन का है, फिलिस्तीन रहते हैं फिलिस्तीन, ठीक है, ये जेरूसलम, याद हो गया होगा। इसराइल की कैपिटल मैंने आपको बता दी, और ये याद रखना ऊपर वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट, ये गोलन हाइट्स, क्या है गोलन हाइट्स, याद रखना ये भी इसराइली ने, इसराइल ने ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है, इसराइली ऑक्यूपाइड जगह है गोलन हाइट्स, याद रखना ये चीजें मैंने आपको बताई। गाजा पट्टी बहुत ज्यादा न्यूज में थी, ये तो आप भूल भी मत जाना क्योंकि गाजा पट्टी काफी ज्यादा अभी हमास के मिलिटेंट्स वगैरह यहां से ही फायरिंग कर रहे थे, ये आपने न्यूज में पढ़ा होगा। चलिए अब थोड़ा सा आप इधर आएंगे तो यहाँ पर आपको क्या क्या देखना है इसराइल में, सबसे पहले आपको क्या देखना है इसराइल में, आपको एक पोर्ट दिखेगा यहाँ पे, ये हाइफा पोर्ट, क्या है हाइफा पोर्ट, याद रखना हाइफा पोर्ट बहुत ज्यादा फेमस है इसका इसराइल का। इसराइल में आपको दो तीन चीजें और जा सकते हो, ये है डेड सी, डेड सी किस किस के बीच में आ रहा है ये क्वेश्चन आ सकता है, इसराइल वेस्ट बैंक और जॉर्डन के बीच में है डेड सी, ठीक है। एक और आपको ये जगह दिख रही होगी कौन सी, ये वाली सी ऑफ गैलीली, सी ऑफ गैलीली में एक इंपॉर्टेंट लेक है वो मैं आपको बताऊंगा, लेक टिबेरियस आगे स्लाइड में आ जाएगा, ठीक है। एक और चीज याद रखना ये है जेरूसलम में अलक्सा मॉस्क, ये भी अच्छे ज्यादा न्यूज में था, अलक्सा मॉस्क ये मेन कारण था हमास के मिलिटेंट्स का रॉकेट फायर करने का, ये जगह अलक्सा मॉस्क काफी ज्यादा न्यूज में था, इसको भूल मत जाना, भूल के भी क्योंकि क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अलक्सा मॉस्क कहाँ पर है, जेरूसलम में, और न्यूज में इसीलिए था क्योंकि यहाँ पे इजरायली पुलिस ने मना कर दिया था कि अरब्स लोग यहाँ पर आके प्रेयर्स नहीं कर सकते क्योंकि ये अलक्सा मॉस्क में पास में यहाँ पे ज्यूश भी प्रेयर करते थे और अरब भी प्रेयर करते थे, ठीक है ना, तो दोनों लोगों के लिए रिलीजियस सेंटीमेंट साइट है, तो यहाँ पे इजरायली पुलिस ने क्रैकडाउन करके बोल दिया था कि अरब लोग नेशनल सिक्योरिटी का देखे कि यहाँ पर आके प्रेयर्स नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा गुस्सा भर गया था उनमें, तो ये काफी ज्यादा न्यूज में थी अलक्सा मॉस्क, ओके। और ये सी ऑफ गैलीली में आप देखिए कौन सी लेक है, लेक है लेक टिबेरियस, याद रखना इस लेक का भी नाम याद रखना है लेक टिबेरियस, ठीक है, इसको भी नहीं भूलना है। ये देख लीजिए गोलन हाइट्स के पास में ये लेक टिबेरियस कहाँ पर है, गोलन हाइट्स के पास में, ये गोलन हाइट्स मैंने आपको बता दिया, ओके। अब चलते हैं आगे, अब देखिए इसराइल के ऊपर जाएंगे तो ये लेबनान है, लेबनान की कैपिटल आपको याद रखनी है बेरूत, क्या है बेरूत, याद रखना बेरूत। और यहां से आप देखेंगे तो ये है सीरिया, ये सीरिया, सीरिया की कैपिटल आपको याद रखनी है दमास्कस, क्या है दमास्कस, ओके। दमास्कस के बाद ऊपर दो जगह देखेंगे आपको, एक दिखेगी अलेप्पो और एक दिखेगी ऊपर जाएंगे तो इदलिब, क्या है इदलिब, ठीक है, अगर नहीं हो तो लिख लेना भैया, ऐसा नहीं है पत्थर की लकीर हो गई कि मैं नहीं लिखूंगा, मैं दीवारों के सारे टिक्के सोऊंगा, ऐसा नहीं है, लिख लेना उसमें, ठीक है, जो चीजें नहीं मिल रही हैं आपको वो लिख लेना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, अलग सा मॉस्क नहीं होगा स्टूडेंट के एटलस में, तो उसमें देख लेना आप, लिख लेना साइड में। ओके, तो ये हो गया अलेप्पो इदलिब। उसके बाद हम नीचे आएंगे, ठीक है, यहाँ पर आएंगे नीचे, तो ये जॉर्डन, जॉर्डन की कैपिटल आपको याद रखनी है अमान है। क्या है? अमान है, ठीक है, जॉर्डन की कैपिटल आपको अमान याद रखनी है। और जॉर्डन का एक यहाँ पर पोर्ट है, बहुत बढ़िया पोर्ट है, ठीक है, अकाबा पोर्ट। क्या है? अकाबा पोर्ट, दिख जाएगा आपको स्टूडेंट एटलस में, देखना अकाबा पोर्ट, इसी के नाम पे इस वाटर बॉडी का नाम पड़ा है, गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा याद रखना। गल्फ ऑफ अकाबा कहाँ पर है? यहाँ पर इजिप्ट और जॉर्डन के बीच में। और जॉर्डन जो है वाटर बॉडी से शेयर कर रहा है, इसीलिए सऊदी अरेबिया और इसराइल बाउंड्री शेयर नहीं कर रहे हैं। आई होप ये चीज अभी आपको याद हो गई होगी, है ना। और इजिप्ट की कैपिटल मैं ऑलरेडी आपको याद करा चुका हूँ अफ्रीका के मैप में, ये है कायरो। क्या है? कायरो, ठीक है ना। चलिए अब ब्लैंक मैप से देखते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ लिया, ठीक है, हमने, हम भूल तो बहुत जल्दी जाते हैं, ठीक है ना, चंचल दिमाग है हमारा। चलिए, क्या क्या मैंने बताया, ये था इसराइल, कंट्री ऑफ इसराइल, ये थी गाजा पट्टी, ठीक है, ये था वेस्ट बैंक, ठीक है, ये था वेस्ट बैंक, यहाँ पर था डेड सी, और यहाँ पर था सी ऑफ गैलीली, सी ऑफ गैलीली, सी ऑफ गैलीली में लेक टिबेरियास था, ठीक है सर। उसके बाद इसराइल में मैंने आपको क्या क्या बताया, इसराइल में मैंने आपको हेफा पोर्ट बताया, हेफा पोर्ट, ये वाली जगह थी गोलन हाइट्स की, ठीक है, यहाँ पे जेरूसलम था, जेरूसलम। ओके, अब ऊपर जाएंगे आप तो ये कंट्री आपको देखिए, लेबनान, ये कौन सी है? लेबनान, जिसकी कैपिटल क्या है? बेरूत। ये कंट्री थी सीरिया, सीरिया की कैपिटल दमास्कस। ऊपर था कौन सा? अलेप्पो। और एक और जगह थी कौन सी? इदलिब, बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी वहां पे इदलिब, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, ये था जॉर्डन, जॉर्डन की कैपिटल आपको मैंने बताई अमान। क्या है? जॉर्डन की कैपिटल अमान। और एक पोर्ट था, कौन सा? अकाबा पोर्ट, अकाबा पोर्ट, ठीक है, ये है गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है, ये है अपना एक पेनिनसुला टाइप का बन रहा है, तीन तरफ से पानी से घिरा है, इसको कहते हैं सिनाई पेनिनसुला। क्या है? सिनाई पेनिनसुला याद रखना, अफ्रीका में सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का पार्ट है, ठीक है। ये यहाँ पर कौन सा था? स्विस कैनाल, यहाँ से ऊपर जा रहे थे हम लोग, ये क्या था? स्विस कैनाल बन रहा था, ठीक है। और ये जो था गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है, ओके। ऊपर मैंने बता दिया सीरिया, यहाँ आ गए जॉर्डन, ये था इजिप्ट, ठीक है, यहाँ मैंने बता दिया वेस्ट बैंक, और ये कौन सा था? गाजा पट्टी, ठीक है, ये चीज मैं आपको याद करा चुका हूँ। इराक वैली में आपको याद करा चुका था सब कुछ, मोसुल, किरकुक वगैरह, ठीक है ना। और कौन सा बताया था? अल बशीर पोर्ट बताया था मैंने आपको, ओके। और क्या बताया था? इराकी कैपिटल बगदाद बता दी थी मैंने, अल बशरा पोर्ट मैंने आपको याद कराई दिया था, और ये वाली कंट्री मैंने बता दी कुवैत। तो ये वाला पार्ट हम लोग ज्यादातर कवर कर चुके, ठीक है। अब हमारा क्या बचा है? कुछ इंडियन ओशन के बचे हैं रीजन, इंडियन ओशन रीजन का कुछ पार्ट बचा है, तो वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे अगले एक वीडियो में लाके, इंडियन ओशन का रीजन, और उसमें जो इंपॉर्टेंट आइलैंड कंट्रीज है नीचे, रीयूनियन आइलैंड है, और सेशल्स है, मेडागास्कर है, मालदीव्स है, तो ये सब हम लोग एक नेक्स्ट पार्ट में लाके कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे कौन सा? फिजिकल मैप, ठीक है। उसके बाद फिजिकल मैप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि एशिया का काफी बड़ा जाएगा, काफी लंबा जाएगा, तो धीरे धीरे हम उसको भी कवर कर लेंगे, चीजें नहीं छूटेंगी आपकी, ये चीज की मैं आपको आश्वासन दूंगा। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिए दोस्तों के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।